थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो चुका है। क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सुनते हैं और आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, या फिर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको नो कॉन्टैक्ट दे दिया है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। सो चलिए, अलग अलग डेक से हम अलग अलग रीडिंग्स को चेक करेंगे। सबसे पहले डेक से हम चेकआउट करेंगे आपकी रीडिंग्स, आपकी फीलिंग्स क्या आ रही हैं। फिर हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या आ रही हैं। ओके, सो बने ज़रूर रहिएगा एंड तक, वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो एनर्जीज भी स्किप हो जाती हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखेगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं करवाते हैं। और ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। ओके, बाकी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। सो फ्रॉड से बचिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए और दिए हुए नंबर पे ही कॉन्टैक्ट कीजिए। हम किसी को कोई भी ना तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ना ही कोई आपको लिंक शेयर किया जाता है। ओके, चलिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। सो चलिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। मैनिफेस्टेशन है, आप चाहें तो आप भी डेली बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। सो आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। तो चलिए, ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। सो कुछ आपकी एनर्जीज़ को पहले चेक करते हैं। सो क्रिएटिविटी का कार्ड सबसे पहले निकल करके आपके लिए आ गया है। नेक्स्ट कार्ड आया है बर्डन का कार्ड। ओके, बर्डन का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। ओके जी, क्रिएटिव, टोटैलिटी, कॉम्प्रोमाइज, कॉन्शियसनेस, लास्ट देख लेते हैं पास्ट लाइफ्स। ओके, सो देखिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट लाइफ का बर्डन है आप लोगों के सिर के ऊपर, ठीक है। कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने तकलीफ़ें झेली हैं, परेशानियाँ झेली हैं। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है। सो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में है, राइट, जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है या फिर जो आपके पार्टनर को आपसे छीनने की कोशिश करती है। सो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। सो आपने पास्ट में ज़रूर इस चीज़ को फील किया है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को कोई और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता रहता है या करती रहती है। बेहद बुरी तरीके से आपके पार्टनर आपको धोखा देने के लिए ट्राई करते रहते हैं या फिर आपको धोखा दे चुके हैं। सो उस चीज़ का जो बर्डन है, उस चीज़ का जो बोझ है, आपके सिर से उतरता नहीं है। आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो, क्योंकि नथिंगनेस का कार्ड आ गया है। सो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके सोचने की, समझने की शक्ति ही जा चुकी है। आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो कि आपको अब क्या करना चाहिए, क्या करें जो ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से चली जाए, क्या करें कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएं। सो काफ़ी कुछ आप प्रॉब्लम में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ ट्रबल आपकी ज़िंदगी में, प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत डेडिकेटेडली, बहुत ही ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाते चले आए हैं और आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को पकड़ने की कोशिश की है, अपने पार्टनर को अपने पास रखने की कोशिश की है कि कैसे भी करके ये आपके पास रुक जाए और थर्ड पार्टी में ना जाए। सो आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है या फिर आपके साथ हैं भी तो भी आपकी ज़िंदगी से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब इन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया है। जब आपको लगा कि अब आपकी ज़िंदगी में इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या ज़रूरत है, तब इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है और आपको, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है,
ठीक है, तो इसी चीज़ का अफसोस आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है और धीरे धीरे करके आप कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं। और आप, हो सकता है ये आप लोगों की लाइफ में पास्ट में हुआ है, हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में करंटली भी चल रहा हो, ठीक है। सो जिन लोगों की लाइफ में ये करंटली चल रहा है या फिर पास्ट में हो चुका है, सो डेफिनेटली आप इस चीज़ को जान चुके हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। सो इस चीज़ की जानकारी आपको ज़रूर है और आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। पहले हो सकता है आप लोग इतने स्पिरिचुअल नहीं थे या फिर इतना ज़्यादा आप डेडिकेटेडली अपने गॉड को, भगवान को, ईश्वर को नहीं मान रहे थे या उतना आप डेडिकेटेडली नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब से ये ज़िंदगी में हुआ है तब से आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। एंड आपको ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने लगी हैं या फिर आई हैं, राइट। सो क्रिएटर का कार्ड ये बता रहा है कि आपको बिल्कुल भी डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आपके क्रिएटर का, आपके भगवान का, आपके गॉड का अगर आपने हाथ पकड़ रखा है, आपने अगर यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके रखा हुआ है, सो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है आपसे कई बातों को लेकर के, कई इश्यूज़ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों के पेरेंट, कई लोगों के पार्टनर्स ने ये तक कह दिया है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है, उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं और आपको भी नहीं छोड़ सकते हैं। सो आप ये ड्यूअल पर्सनालिटी वाले इंसान को अपने साथ झेल रहे हो और वो आपसे अब झेल नहीं रहा है। सो बहुत चीज़ें आपने कॉम्प्रोमाइज़ की भी हैं, ठीक है, बहुत कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपकी ज़िंदगी में हुए हैं जिसकी वजह से आपने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है। बैड बिहेवियर, मारपीट, फिज़िकल वायलेंस या फिर मेंटल प्रेशर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा झेला है। और देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ कब करने की ज़रूरत पड़ती है, जब आपका अपना कोई आपके साथ विश्वासघात कर रहा होता है। देखो, प्रॉब्लम ये चीज़ समझने वाली है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ रही है। क्रिएटर आपको ये बता रहे हैं, अभी मुझे एक डाउनलोड हुआ है, कि प्रॉब्लम थर्ड पार्टी में नहीं होती है, ठीक है, प्रॉब्लम होती है आप दोनों में या आपस में, लोगों में आपस में प्रॉब्लम्स के चलते कोई ना कोई थर्ड पार्टी एंटर करती है। क्यों? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फॉल्ट है उस पर्सन का जिसने उस थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में स्पेस दिया है। सो अगर ये आपके पार्टनर है, सो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर फॉल्टी है, क्योंकि उन्होंने आप दोनों के बीच में किसी और को आने का स्पेस दे दिया है। और अगर ये आप हैं, सो फॉल्टी आप हैं, क्योंकि आपने इस रिश्ते में किसी और को घुसा करके इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की है। सो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत हद तक बिगड़ चुकी हैं और यही वज़न, यही बोझ, यही बर्डन आपके दिमाग से नहीं जा रहा है। सो क्रिएटर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए, ठीक है, आप अपने को और इन्हांस करने की और पॉलिश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ना लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो और सामने वाला आपके लिए बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, तो स्टॉप डूइंग दैट। आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है और आप सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले की तरफ से, तो और सामने वाला आपको इग्नोर किए जा रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो स्टॉप डूइंग दैट। आप किसी से बहुत ज़्यादा डीप लव कर रहे हो, उसके पीछे ही भागते रहते हो, उसके बारे में जानकारी निकालते रहते हो और सामने वाले को आपकी ज़िंदगी के किसी भी दुख और दर्द की पड़ी ही नहीं है, तो स्टॉप डूइंग दैट। क्योंकि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। रिश्ता बचाना एक अलग बात है और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को खो देना ये चीज़ अलग बात है, ठीक है। सो आप में से कई लोग इस गिल्ट में भी मुझे दिख रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी साइड में करा इस रिश्ते को पकड़ने के लिए, संभालने के लिए, कई इल्ज़ाम अपने ऊपर लिए, आपके पार्टनर ने कई बकवास आपसे की होगी बातें, लेकिन उसके बावजूद भी आपने, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आज भी रीयूनियन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। लेकिन अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कर्मा चाहते हैं इस थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का, तो ज़रूर लिखिएगा थर्ड पार्टी कर्मा या फिर कर्मा, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटर का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, राइट। सो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए, जो भी आप अपने लिए मांग रहे हैं वो इस तरीके से मांगे
या इस तरीके से मैनिफेस्ट करें कि आपका कोई नुकसान ना हो, ठीक है, और सामने वाले को सबक भी मिल जाए। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आपकी तकलीफ़ बहुत बड़ी है, आपका जो एहसास है, आपका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपका ब्रेक हुआ है और आपकी लाइफ की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है और आपने जो चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं की थी आपके पार्टनर से वो आपके पार्टनर ने आपको दिया है, तो वो आपके बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अगर आपके बच्चे हैं तो डेफिनेटली बच्चों पर भी इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, और बच्चों को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है, राइट, और ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि इन सब चीज़ों में बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट, और अगर आपके किड्स नहीं हैं और आप अकेले हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर ये इम्पैक्ट है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका साथ देने के लिए अब कोई भी नहीं है और आपको समझने वाला कोई इस दुनिया में नहीं है जो आपको समझ सके, क्योंकि जिस पार्टनर के ऊपर आपने इतना भरोसा किया अगर वो ही नहीं आपको समझ पाया तो और कोई आपको क्या समझेगा, ठीक है। सो देखिए, अगर डेफिनेटली अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है तो उसको फिक्स किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वो कम्युनिकेशन से सॉल्व की जा सकती है। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर सामने वाले ने आपको कम्युनिकेट करना ही बंद कर दिया है, सामने वाले ने आपको परमानेंटली ब्लॉक ही कर दिया है, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं रुक जाने की ज़रूरत है, टाइम देना पड़ेगा आपको सामने वाले को कि ठीक है जब लगे तब बात करना, जब ना लगे तो मत करो, क्योंकि अगर आप ही पीछे पीछे पड़े रहेंगे तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो करके आपको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है, अंडरस्टूड है कि वो नहीं चाहता है कि आप उसको कांटेक्ट करो, ठीक है। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रोक देनी है, क्योंकि उसको एहसास ज़रूर होगा उसकी गलती का। सो अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट, ओके। सो कार्ड सबसे पहले आया है द वर्ल्ड का कार्ड, राइट, सो आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग सबसे पहले आई है द वर्ल्ड का कार्ड। फिर आया है यहाँ पर बर्डन को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड। सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आई है। क्रिएटर के लिए यहाँ आया है यहाँ पर हाई प्रेस्टस का कार्ड। सो आपके पार्टनर हाई प्रेस्टस मोड में बैठे हुए हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आई है। देखो जस्टिस आ गया है, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में जस्टिस आया है। सो डेफिनेटली जो भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। कॉन्शियसनेस को कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड एंड पास्ट लाइफ्स को कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड, राइट। सो यहाँ पर जान लेते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के। पहले हम यहाँ और कार्ड्स निकाल लेते हैं जो ये बताएंगे क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी को लेकर के। सो ऑल द डिवाइन प्लीज़ बताइए, एनर्जीज प्लीज़ बताइए, बजरंग बली प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है इनके पार्टनर के दिल में इनको लेकर के, राइट। सो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं देख लेते हैं, जान लेते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए थर्ड पार्टी के लिए क्या आ रही है, ठीक है। सो ये थी आपके लिए, अब निकालेंगे हम थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि इनके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ क्या सोच रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ आ गया है हर्मिट का कार्ड, ओके, ठीक है जी। हर्मिट का कार्ड सबसे पहले यहाँ पर अपीयर हो गया है। सो वर्गो कन्या राशि प्रोमिनेंटली आई है। नाउ आया है 7 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो कर्क मीन वृश्चिक राशि, 5 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, एस ऑफ वॉन्ड, ओके ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड एंड द डेथ, एंड लास्ट आया है लवर्स। सो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके पार्टनर की मैं ब्लॉक देख पा रही हूँ, ठीक है, और थर्ड पार्टी के लिए आप देखिए थर्ड पार्टी के साथ आपके ये पार्टनर है। सो डेफिनेटली उनके दिमाग ने अभी काम करना बंद कर दिया है, राइट, बहुत ज़्यादा इनके बीच में इश्यूज दिख रहे हैं क्योंकि ये तकलीफ़ में दिख रहे हैं, राइट। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं, आपके पार्टनर के अलावा और ऑप्शंस भी हैं इसकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अकेला छोड़ दिया है। सो आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, राइट, और आपके पार्टनर को ब्लॉक भी करती चली जा रही है ये थर्ड पार्टी, और क्योंकि
देखो क्योंकि ऑप्शंस बहुत हो गए हैं उसके पास, ठीक है। सो डेफिनेटली उसके पास और भी लोग हैं जो उसके साथ कनेक्टेड हैं, और आपके पार्टनर अकेले नहीं हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। सो जिस इंसान ने इसके लिए सब कुछ छोड़ा, आपको तकलीफ़ दी, वो आज खुद अकेला बैठा हुआ है या बैठी हुई है, आप देख सकते हो। सो जेंडर बाइस रीडिंग नहीं है, फाइन। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी परेशान दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत फिनेंशियली भी लॉस में चले गए हैं, इस थर्ड पार्टी को इतना कुछ दे दिया है कि फिनेंशियल लॉसेस भी इनकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो आपके पार्टनर का दिलो दिमाग काम करना बंद कर दिया है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब उनको क्या करना चाहिए, राइट। सो अब ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आता है, चलता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अब इनके लिए टॉक्सिक होती चली जा रही है, अब इनका भरोसा इस थर्ड पार्टी से उठता चला जा रहा है, क्योंकि ऑप्शंस मतलब कि आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ रही है कि उनके अलावा भी इस थर्ड पार्टी की लाइफ में और कोई है जिसके इन्फ्लुएंस में ये काम कर रही है थर्ड पार्टी। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, और डेथ और रीबर्थ का कार्ड ये बता रहा है कि अब वो बहुत जल्द कोई डिसीजन लेने वाले हैं। सो डेथ करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं इस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को, निकलना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे जो एक उम्मीद मुझे दिख रही है रीयूनियन की, वो ज़रूर कार्मिक्स की वजह से है, ठीक है। सो क्लेम कीजिएगा रीयूनियन, क्लेम कीजिएगा कार्मिक्स, क्योंकि डेफिनेटली डेथ, किसी रिश्ते का डेथ होने का मतलब है, ख़त्म होने का मतलब है कि कार्मिक्स ही इसको ख़त्म कर रहे हैं। इन दोनों को जो कार्मिक्स भुगतने पड़ रहे हैं उसकी वजह से ही इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप और दूरियां आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। सो आपके पार्टनर कई बार सोचते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म करें, इस थर्ड पार्टी सिस्टम को ख़त्म करें, या इस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं और वापस बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, अगर आप रियूनियन चाहते हैं तो, राइट। सो स्टॉक ज़रूर करते हैं, आपको देखते रहते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हो, राइट। सो पूरी तरीके से डेफिनेटली आप इनके दिमाग से गए तो नहीं हो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और निकल करके ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और सो इनके इमोशंस आपकी तरफ भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और इस थर्ड पार्टी से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सो कार्मिक पार्टनर्स हैं और आप उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप दोनों ही सोलमेट पार्टनर्स हो, भले ही जितना भी वो सोच लें, जितना भी वो आपके अगेंस्ट में ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश कर लें, बट वो चीज़ उन्हें नहीं मिलेगी या वो प्यार उनको नहीं मिल सकता है जो आप देते हो। सो यहाँ पर टेन ऑफ वॉन का कार्ड यही बता रहा है कि इनकी ज़िंदगी से ये थर्ड पार्टी बहुत जल्द जाती हुई दिखाई दे रही है, राइट। सो अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि यूनिवर्स ने आपकी मैनिफेस्टेशंस पर काम करना शुरू कर दिया है। सो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, सो जस्टिस ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। आपको तैयार रहना है इस रिश्ते को, आपको क्या नाम देना है, अगर आपके पार्टनर आपको वापस मिलने आते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे, ये चीज़ आपको सोच करके रखनी है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उन्हें न्याय अन्याय समझ में आ रहा है क्योंकि यूनिवर्स की लाठी इनके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। इनकी गलतियों का एहसास यूनिवर्स इनको करवा रही है, इनके सारे रास्ते ब्लॉक होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो लाइफ में इनको ब्लॉकेजेस ज़रूर आ रही है इनकी लाइफ में, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आपको छोड़ करके गए हैं, तो इनको ये एहसास हो रहा है कि ये इन्होंने जो आपके साथ गलत किया वो ही इनको भुगतना पड़ रहा है। सो यही होता है न्याय, यही होता है ऊपर वाले का न्याय, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। सो इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको हो रहा है और बहुत जल्द यूनिवर्स की लाठी इनके ऊपर पड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि आप के साथ बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव और नेगेटिव रहे हैं, मतलब आपके साथ इन्होंने बहुत कुछ अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भरा, दुख भरा टाइम भी इन्होंने स्पेंड किया है। सो अब इस चीज़ को रियलाइजेशन ये कर पा रहे हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में रहे, चाहे सुख हो या दुख हो, आपने हमेशा इनका साथ दिया है, आप एक बेस्ट पार्टनर की तरह इनके साथ हमेशा से रहे हो, बट इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत की हैं, उस चीज़ का रियलाइज इनको ज़रूर हो रहा है। आपको धोखा देने का तकलीफ़ इनको बहुत ज़्यादा हो रही है,
ठीक है, आपके साथ आपकी पीठ में खंजर घोपा है इन्होंने, आपके साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है आपके साथ, तो उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है इनको धीरे धीरे, ठीक है। सो आपको अपनी दुनिया मानने लगे हैं। सो द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इन केस आप रीयूनियन चाहते हैं तभी, राइट, सो मैनिफेस्टेशन में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं, और अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं और न्यू पार्टनर चाहते हैं तो ज़रूर लिखेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लाइफ में सब चीज़ें ठीक हो जाएं तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा वर्ल्ड का कार्ड, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में सारी दुनिया की खुशियां आने वाली हैं, ठीक है। सारी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, सारी चीज़ों पे आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, और क्योंकि क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, ठीक है, और आपने सारा कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अगर आप डिवाइन पर सारा कुछ सरेंडर कर दोगे कि वो ही देखे, अब उसको ही समझना है, उसको ही देखना है कि वो क्या करने वाला है इस थर्ड पार्टी के साथ। सो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स पे छोड़ने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर लौट करके आएंगे और एक रियूनियन की उम्मीद मुझे दिख रही है। लेकिन अगर आप लोग अपने करियर पे काम करने लगे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करने लगे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे हो, तो जस्टिस तो आपको ज़रूर मिलेगा, बट आपके लाइफ में आप आगे ज़रूर बढ़ोगे, अपने करियर में बहुत अच्छा काम करोगे और बहुत अच्छा नाम भी होगा, पैसा भी होगा। और अगर आप चाहते हो ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए, रियूनियन हो, सो डेफिनेटली सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों की लाइफ में ये रियूनियन बहुत जल्द आने वाला है। सो आपके पार्टनर बहुत जल्द इस थर्ड पार्टी से निकलने वाले हैं और आपके पास वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने कर लिया है सो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। बेल आइकन को हिट कर दीजिए, एक घंटी बजा दीजिए साइड में जा करके, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए, लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।